Hey guys, welcome back to my channel. This is Pooja aka Pixie. In this video, I'm going to show you 5 ways to have a morning routine even when you work in night shifts or you have a very bad sleeping pattern. So without any further ado, let's get started. We've all been told the importance of sleeping early and waking up early to have a very successful life, but the truth is, we don't sleep. We are a generation of such a bad sleeping pattern that nothing can be done. Ever since I was a kid, I always used to study at night because my concentration level and my productivity night mein bahut zyada hoti hai. And according to that, maine job bhi night ki hi dhoondi because night time is something which I like utilizing. Let me know in the comments if you are also a night person just like me, or are you a morning person? So guys, I've been working in night shifts for the past 5 years, and the only thing that has gotten worse is my sleeping pattern. मुझे ना लाइफ में बहुत फोमो होने लग गया था. मुझे लगता था यार मैं अपनी सारी मॉर्निंग्स वेस्ट कर दूंगी. आई मीन मैं मॉर्निंग में कभी भी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. एंड ट्रस्ट मी, द कप ऑफ कॉफी और टी यू हैव इन द मॉर्निंग रीडिंग अ बुक इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग एवर. तो मैंने अपने लिए कुछ वेज ढूंढे जिससे मेरी नाइट की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर ना हो और मुझे मॉर्निंग के मजे भी आते रहे. टिप नंबर 1 इज टू शट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस हाफ एन आवर बिफोर यू स्लीप और एट लीस्ट 15 मिनट्स. टू सेट योरसेल्फ अ स्लीप रिमाइंडर ताकि आपको आपका फोन ही बताए इट्स टाइम टू स्लीप. मैंने अपना स्लीपिंग रिमाइंडर 2:30 AM का सेट किया हुआ है बिकॉज माई शिफ्ट एंड्स एट 1:30. तो उसके अकॉर्डिंगली 1 आवर में अपने आपको देती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए एंड देन आफ्टर दैट आई स्लीप. टिप नंबर 2, प्लान योर डे अहेड. अगर आपको पता है कि आप इतने टाइम पर सुबह उठकर ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते कि आपको अपनी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आधा घंटा पहले उठो, 1 घंटा पहले उठो, 2 घंटा पहले उठो. बट देन जैसे आप उठते हो उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो जो चीज़ें करने में आपको मज़ा नहीं आता, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना. यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट इन एडवांस. बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक यू कैन हैव अ सैंडविच एंड यू कैन प्री कट योर वेजिटेबल्स सो दैट इट हेल्प्स यू द अदर डे, और यू कैन हैव फ्रोजन ओट्स. ऑल्सो इफ यू लाइक डूइंग वर्कआउट इन द मॉर्निंग्स वंस यू वेक अप, तो आप अपने वर्कआउट क्लोथ्स, अपने शूज, सब कुछ रेडी करके सो सकते हो ताकि जब आप सुबह उठो तो आपको सामने दिखे एंड आपके पास कोई रीजन ना रहे वर्कआउट ना करने का. टिप नंबर 3 इज सेटिंग योर वेकअप स्केड्यूल. तो अगर आप अपना स्लीपिंग पैटर्न सोने का टाइम सही कर लोगे तो आपका उठने का टाइम भी थोड़ा बहुत सही हो जाएगा. इनिशियली इतना नहीं होगा क्योंकि एक आदत बनी हुई होती है तो वो चेंज करना इज वेरी टफ. बट अगर आप एक हफ्ता एक टाइम पर उठो कॉन्टिन्यूसली तो आप नेक्स्ट वीक उसको हाफ एन आवर माइनस करके हाफ एन आवर पहले उठ सकते हो. प्रिपेयर अ डायरी फॉर माई सेल्फ जिसमें मैं अपना स्लीप टाइम रोज नोट करती हूँ. सो इफ आई एम वेकिंग अप एट 9 AM एवरी मॉर्निंग, आई विल मेक श्योर दैट आफ्टर 1 वीक आई विल ट्राई टू वेक अप एट 8:30. ऐसे करते करते यू कैन डिक्रीज इट. हाँ, ज्यादा जल्दी उठने की जरूरत नहीं है. मेक श्योर यू टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप विच इज इम्पॉर्टेंट. नंबर 4, ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद समथिंग दैट यू लव. मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से एंड आई रीड अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम माय फेवरेट बुक. दैट मेक्स माय डे प्रीटी मच हैपनिंग. टिप नंबर 5, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. अगर आप में वो चाह नहीं होगी अपने मॉर्निंग्स को अच्छा बनाने की, आप वो कभी कर नहीं सकते. यू नीड टू बी डिसिप्लिन इनफ टू स्विच ऑफ योर फोन एंड स्लीप एट नाइट. यू नीड टू बी डिटरमाइंड इनफ टू हैव a good sleeping pattern. I hope these tips help you and bring some difference in your life. If you try any of these, let me know in the comments below. Also, if you're on this channel for the very first time, check out all my videos and don't forget to like, share and subscribe. I make pretty awesome content on all my socials, so follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat, and I'll see you in the next one. Bye.